चलो स्टार्ट करेंगे। तो गाइस आज का जो पॉइंट है वो पॉइंट है सेकंड ग्रुप एलिमेंट। पुट डाउन द हेडिंग सेकंड ग्रुप एलिमेंट। पुट डाउन द हेडिंग सेकंड ग्रुप एलिमेंट, सेकंड ग्रुप एलिमेंट। बोला लोस गाइस, सेकंड ग्रुप एलिमेंट में जो एलिमेंट है उसे बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये मेटल को, ये जो मेटल्स होते हैं इसे बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना। व्हाट इज टू बी कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल? बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द अर्थ। ओके ना, दे आर प्रेजेंट इन द अर्थ। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है, वो है NS2। इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है NS2। अल्कली मेटल का क्या था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन? फर्स्ट ग्रुप का था NS1, इसका क्या है NS2, ठीक है ना। तो इसकी वैलेंसी जो होती है वैलेंसी +2 होती है। इसकी वैलेंसी क्या होती है? +2 होती है। अभी गाइस इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से, बराबर ना, इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से अंडरस्टैंड कर लो। इसमें है बी है, एम जी है, सी ए है, एस आर है, बी ए है और आर ए है। तो इसकी ट्रिक्स क्या है गाइस, याद रखने के लिए बहुत ही कॉमन ट्रिक्स है जो मेरे सर ने बताया था, मैं वही बता रहा हूं मैं आपको। इसकी ट्रिक्स है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। सो व्हाट इज द ट्रिक्स ऑफ सेकंड ग्रुप एलिमेंट? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। दो चार बार बोलना है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। पॉइंट क्लियर है? होप सो। ए पॉइंट क्लियर हुआ कमेंट बॉक्स में डाल दो खटाखट। यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं गाइस, है ना, अभी आगे वाली स्लाइड के ऊपर जाते हैं। अभी इसका पहला जो है, पहला पॉइंट जो है वो है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया गाइस, हमें पता है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया जो है वो कांग्रेस पार्टी में है। वो कहां पे है? वो कांग्रेस पार्टी में है ना। ये कौन सी पार्टी में है? कांग्रेस पार्टी में। इसके ट्रेंड्स कैसे होते हैं गाइस, है ना, इसके ट्रेंड होते हैं लेफ्ट टू राइट, कम होते हैं और टॉप टू बॉटम बढ़ते हैं। इसकी ये ट्रेंड्स हो गए कांग्रेस पार्टी में होता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है, अभी हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप की बात कर रहे हैं तो हमें कौन सा इंपॉर्टेंट है? टॉप टू बॉटम वाला ही इंपॉर्टेंट है। टॉप टू बॉटम ये क्या होते हैं भाई, एटॉमिक रेडियंट आयोनिक रेडियंट टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते हैं, है ना, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते हैं, है ना। तो मीन्स टॉप टू बॉटम इंक्रीज मीन्स व्हाट? बॉटम को मोर है, टॉप को लेस है ना, ये इसकी मीनिंग है। तो मेरे पास एलिमेंट कौन कौन से है? मेरे पास एलिमेंट्स है बेटा है, मांगे है, कार है, स्कूटर है, बाप है, राजी है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज किसकी होगी? आरए की होगी गाइस,
ये मोर एटॉमिक साइज होगी क्योंकि ये बॉटम में है, और सबसे लेस एटॉमिक साइज और इसकी होगी, इसे हम इसकी एटॉमिक रेडिया बोलेंगे और आयोनिक रेडिया बोलेंगे। होप सो ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ये होप सो ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, है ना। शाल आप प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, जिसे पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 की तरफ जाते हैं अभी, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2 की तरफ जाते हैं, यहां पे देख लो पॉइंट नंबर 2, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसे क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। गाइस आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये बीजेपी में है गाइस, ये किसमें है? बीजेपी में है। बीजेपी का ट्रेंड क्या होता है? लेफ्ट टू राइट बढ़ता है और टॉप टू बॉटम कम होता है। तो हमें ग्रुप का डिस्कस करना है तो टॉप टू बॉटम हमें इंपॉर्टेंट है ना। हमें ग्रुप का डिस्कस करना है तो टॉप टू बॉटम हमें ये इंपॉर्टेंट है गाइस। अंडरस्टैंड कर लो कंसेप्ट को। टॉप टू बॉटम कम है मीन्स ये क्या है? ये लेस है। अरो अरो यहाँ पे बॉटम के साइड में क्या है? लेस है। तो ये क्या होगा? ये मोर होगा। सो एटॉमिक साइज का दुश्मन आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है, ठीक है ना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है। इफ हमारे एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये एलिमेंट्स है। तो एलिमेंट्स में आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होती है? सबसे ज्यादा होती है बी की, बेटा की होती है। इसकी मोर होती है, मोर आई होती है, और इसकी क्या होती है? लेस आई होती है। होप सो ए पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। अभी गाइस यहां पे एक कंसिडर करना है, कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है। यहां पे आयोनाइजेशन एंथैल्पीज के टाइप कुछ है गाइस, थोड़ा सा इसका कंसेप्ट क्लियर करता हूं मैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पीज के टाइप से गाइस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के टाइप है, टाइप अंडरस्टैंड कर लो, एक बताने के बाद आपको आएगा बाकी के। पहला टाइप है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा टाइप है सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तीसरा टाइप है थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पॉइंट क्लियर है गाइस? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पॉइंट क्लियर है? तो फर्स्ट आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी है वो क्यों उसे बोलते हैं IE1, इसे बोलते हैं IE1 क्योंकि इसकी डेफिनेट इसको बोलते हैं IE2, इसे बोलते हैं IE3। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है क्या? तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ IE1? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है यार? ये एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव रिमूव करने के लिए लगने वाली एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए लगने वाली एनर्जी, इसको क्या होगा? टू इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए लगने वाली एनर्जी। इसका क्या होगा? थ्री इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए लगने वाली एनर्जी। इससे ये ट्वाइस होता है गाइस, इससे ये क्या होता है? ट्वाइस होता है, इससे ये ट्वाइस होता है। समझ में आया क्या? इफ सपोज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एनी मेटल की क्या होगी? सपोज अंडरस्टैंड कर लो 600 है, तो वो एलिमेंट का दूसरा इलेक्ट्रॉन करने निकालने के लिए एनर्जी कितनी लगेगी? 1200 किलो जूल पर मोल लगेगी। ये किलो जूल पर मोल एंथैल्पी का यूनिट है गाइस, अंडरस्टैंड कर लो। इसको कितना लगेगी? इसका 2400 अराउंड, अंडरस्टैंड कर लो।
ये क्या होता है, इससे ये टॉइस होता है, इससे ये टॉइस होता है, एक कंसेप्ट अंडरस्टैंड होना चाहिए आई का। क्योंकि ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपने एनसीईआरटी में एक डायलॉग है, एक लाइन है, उसके लिए ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। शाला प्रोसीड फॉर द कंसेप्ट तो लाइन की तरफ जाऊं क्या, ये समझ में आया यहां तक? यहां तक समझ में आया तो कमेंट्स कर दो, यहां तक समझ में आया तो कमेंट्स कर दो गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आई एम टेलिंग। यस, अभी यहां पे इसका जो जनरल, इसका जो है ना फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बराबर ना, ये क्या है, इस अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल की ज्यादा है, एक ग्रेटर है बराबर ना, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल की ज्यादा है देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल। पॉइंट क्लियर है क्या? तो इसका मीनिंग क्या होता है अंडरस्टैंड कर लो गाइस, अभी आपको ये समझ में आएगा। अल्कली मेटल, अल्कली मेटल मींस फर्स्ट ग्रुप है ना, अंडरस्टैंड कर लो, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसकी ज्यादा होती है किससे, अल्कली मेटल से। मींस फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसकी क्यों ज्यादा होती है गाइस, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Ns2 है, Ns2 है, s में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है क्योंकि इसकी s की कैपेसिटी फुलफिल्ड है। इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ns1 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक एक निकालना इजीली है। तो और थोड़ा सिंपल तरीके से बताता हूं, यहां पे अल्कली, अल्कली अर्थ मेटल अंडरस्टैंड कर लो गाइस। यहां पे लेता हूं मैग्नीशियम लेता हूं गाइस, 10th स्टैंडर्ड के कंसेप्ट को, 10th स्टैंडर्ड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझाता हूं। इसका एटॉमिक नंबर है 12, ये है 2.8.2, क्लियर है, ठीक है ना, 2.8.2 नहीं, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहां से कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। जनरली क्या होता है कि ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है भाई, एस ब्लॉक फुल फील्ड है, इसका हाफ फील्ड है, फुल फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है, इससे कम लगती है, इसलिए ये डायलॉग डाला है, कुछ भी नहीं है, डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है। एक लाइन ऑफ, एक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा अभी, ठीक है ना। अभी इसको थोड़ा सा रिवर्स कर देते, इसको रिवर्स करते, मीन्स इसकी मीनिंग ये हुई गाइस, अंडरस्टैंड कर लो, अल्कलाइन अर्थ मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, यहां से क्या इसका मीनिंग है, अल्कली मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, ठीक है ना, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई, Ns2 है, इसका है Ns1। होप सो ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अभी थोड़ा सा रिवर्स जाता हूं मैं, है ना, ये हुआ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की तरफ, फर्स्ट आयोनाइजेशन। अभी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की तरफ जाता हूं गाइस, अंडरस्टैंड कर लो, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है गाइस, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज अ ग्रेटर दैन, इज अ ग्रेटर दैन सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल। सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ
अल्कली मेटल, ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है क्या? थोड़ा अंडरस्टैंड कर लो गाइस, मींस इसकी मीनिंग क्या है? सेकंड, यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, एक इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, लेकिन एक निकलने हुआ दूसरा इजीली निकल जाता है, लेकिन इसका क्या है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, ये इसकी मीनिंग है, ये अंडरस्टैंड कर लो गाइस। होप सो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, ठीक है ना। चलो प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट, ये समझे तो कमेंट डाल दो गाइस। ओके, अभी जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी की तरफ जाएंगे गाइस। अभी हाइड्रेशन एंथैल्पी में सबसे जो ज्यादा होती है गाइस, हमने वही देखा था हाइड्रेशन एंथैल्पी, हमने कहा देखा था, फर्स्ट ग्रुप में देखा था, फर्स्ट ग्रुप में क्या था हाइड्रेशन एंथैल्पी का, लिथियम मोनोपॉजिटिव की सबसे ज्यादा होती है, लीना के रफ से मोनोपॉजिटिव की ऐसा ट्रेंड है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी सेकंड ग्रुप का क्या होगा, सेकंड ग्रुप में क्या होगा, सेकंड ग्रुप में बेटा का सेम ट्रेंड होगा, मीन्स ये क्या हुआ है, ट्रेंड क्या हुआ है, ये टॉप टू बॉटम क्या हुई है भाई, कम हुई है, टॉप को क्या है मोर है, बॉटम को क्या है लेस है, ये इसकी मीनिंग हुई हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में। सेम ट्रेंड भी सेकंड ग्रुप के लिए शो करेगा ना, सेकंड ग्रुप क्या है, सेकंड ग्रुप में सेकंड ग्रुप में क्या है गाइस, बेटा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, यही रहेगा ना, यहां पे भी ट्रेंड वही होगा, टॉप टू बॉटम क्या होगा भाई, कम होगा, सेम ट्रेंड रहेगा ना हाइड्रेशन एंथैल्पी का भी। होप सो ये पॉइंट क्लियर होगा। अभी यहां पे एनसीईआरटी में कुछ डायलॉग्स है गाइस, अंडरस्टैंड कर लो हाइड्रेशन एंथैल्पी की तरफ, एनसीईआरटी में कुछ डायलॉग्स है वो अंडरस्टैंड कर लो। ऊपर वाले टॉप वाले एलिमेंट हाइड्रेशन बनाते हैं, टॉप एलिमेंट क्या बना, टॉप वाले एलिमेंट हाइड्रेशन एंथैल्पी बनाते हैं, तो वहां पे अपने पास दो कंपाउंड है, BeCl2 है, MgCl2 है, .6S2O, Mg के 6 हाइड्रेटेड कंपाउंड बनाता है, बाद में CaCl2 है .6S2O, ये एग्जिस्ट है गाइस, ये एग्जिस्ट करते हैं, ये क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, पॉइंट क्लियर है। अभी यहां पे और एक डायलॉग दिया है NaCl एंड KCl, जो फर्स्ट ग्रुप के है ना, ये डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड, ये क्या करते भाई, डू Not form do not form hydride, clear हो रहा है क्या concept, do not form hydride, hope so ये concept clear हुआ होगा। चल okay, अभी इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ जाते हैं गाइस, इसके किधर जाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ जाते हैं। इसका पहला पॉइंट है गाइस, जो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या था, उधर अल्कली मेटल की तरफ, वो सिल्वरी सॉलिड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लाइट होते हैं, ऐसा हमने देखा था, लाइन थी गाइस, ये कैसे होते हैं, ये भी सिल्वरी व्हाइट होते हैं गाइस, ये भी क्या है, सिल्वरी व्हाइट होते हैं, चांदी की जैसा व्हाइट होते हैं, ये लस्टरस होते हैं, चमकते हैं, ये भी लस्टरस होते हैं। अभी ये सेकंड पॉइंट हुआ, अभी ये जो पॉइंट है गाइस,
ये भी सॉफ्ट होते हैं, ये भी क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन लेकिन हार्डर ध्यान, लेकिन हार्डर ध्यान, अल्कली मेटल, क्योंकि अल्कली मेटल भी सॉफ्ट है, अल्कली मेटल भी सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है, इंपॉर्टेंट क्या है भाई, लेकिन ये भी सॉफ्ट है, दोनों भी सॉफ्ट है, फर्स्ट ग्रुप भी सॉफ्ट है, क्या बोल रहा हूं मैं, फर्स्ट ग्रुप भी सॉफ्ट है और सेकंड ग्रुप भी सॉफ्ट है, पॉइंट क्लियर है क्या, ये भी सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है, ठीक है ना, लेकिन ये क्या है, इसे बोलते ये मोर सॉफ्ट है, ये लेस सॉफ्ट है, ठीक है ना, ये इसकी मीनिंग हुई गाइस, होप सो ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। अभी मीन्स क्या भाई, इसको लेस सॉफ्ट को हम थोड़ा सा हार्ड बोल सकते हैं ना, लेस सॉफ्ट को हार्ड बोल सकते हैं, इफ ये हार्ड है तो नेक्स्ट पॉइंट ले लो, थर्ड पॉइंट डाल दो, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, स्लाइटली मोर होगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मोर देन अल्कली मेटल, पॉइंट क्लियर है क्या, इनका पहले ग्रुप से ज्यादा इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, क्योंकि ये सेकंड ग्रुप वाले स्लाइटली हार्डर है, जो भी पॉइंट रहेगा, जो भी कितना कौन सा पॉइंट है वो याद रख लो, ये है स्ट्रॉन्गली स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, ए मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मीन्स व्हाट, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, पॉइंट क्लियर है, अभी जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, है ना, अभी नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है ना गाइस, अभी इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर के बारे में बताता हूं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर सबसे ज्यादा कैसा होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन मीन्स, इसे ही क्या बोलते हैं, मेटालिक कैरेक्टर्स बोलते हैं गाइस, इलेक्ट्रो पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, मेटालिक कैरेक्टर्स बोलते हैं, मेटालिक कैरेक्टर्स बोलते हैं, मेटालिक कैरेक्टर्स कौन से पार्टी में होता है गाइस, मेटालिक कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन द कांग्रेस पार्टी, मेटालिक कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन द विच पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी टॉप टू बॉटम कैसी होती है, अंडरस्टैंड करना, मेटालिक कैरेक्टर्स टॉप टू बॉटम क्या है भाई, टॉप टू बॉटम बढ़ते हैं, टॉप टू बॉटम बढ़ते मीन्स व्हाट, टॉप को क्या होता है लेस होता है, बॉटम को मोर होता है, तो इसका ट्रेंड कैसा होगा, इसका ट्रेंड कैसा होगा, यहाँ पे लिखोगे ट्रेंड, सबसे मोर मेटालिक कौन होगा, बाप होगा, है ना, इसका ट्रेंड होगा बेटा से, बेटा लेस मेटालिक होगा और इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, बेटा लेस होगा, एमजी ज्यादा होगा, एमजी से ज्यादा कैल्शियम होगा, देन एसआर होगा, लास्ट में बाप होगा, है ना, ये इसकी क्या होगा भाई, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी का ट्रेंड हुआ, पॉइंट क्लियर है, कमेंट्स डाल दो, कमेंट डाल दो, थोड़ा अलग अलग कमेंट डाल दो, हर टाइप यस सर बोलने के बाद कौन से पॉइंट को यस सर बोला है वो समझ में नहीं आता, हाँ बोलो, है ना, ऐसा बोलो, वेरी गुड, चलो शाला प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन, अभी जाते हैं गाइस फ्लेम टेस्ट की तरफ, कहां पे भाई, फ्लेम टेस्ट की तरफ जाते हैं, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, अंडरस्टैंड करना है,
फ्लेम टेस्ट, बराबर ना, फ्लेम टेस्ट की तरफ जाना है। एकदम जबरदस्त वे से मैं एक्सप्लेन करना करने वाला हूं, देख लो गाइस, एकदम जबरदस्त वे से। ये है बेटा, ये है मांगे, ये कार, स्कूटर, बाप। राजी की जरूरत नहीं है, राजी इज अ, आरए इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अभी बी एंड एम जी, व्हाट आई एम टेलिंग, बी एंड एम जी डू नॉट शो फ्लेम टेस्ट। क्या बोल रहा हूं मैं, डू नॉट शो फ्लेम टेस्ट, डू नॉट शो फ्लेम टेस्ट। क्यों नहीं शो करते भाई, नहीं करते ना, तो क्यों नहीं शो करते? क्योंकि गाइस फ्लेम टेस्ट क्या होता है, आगे वाले स्लाइड के ऊपर, क्यों नहीं शो करते, मैं इसका मैकेनिज्म बताता हूँ, अंडरस्टैंड कर लो। फ्लेम टेस्ट में क्या होता है, अभी ये एटम है समझो, है ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन से, है ना, इसके ऊपर से एनर्जी आई गाइस, ये एनर्जी आई। एनर्जी आने के बाद क्या होगा, ये जो स्टेट है गाइस, ये जो स्टेट है ना, इसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, उसकी नॉर्मल स्टेट, इलेक्ट्रॉन की नॉर्मल स्टेट को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। और यहां से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेने के बाद क्या होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर गया, यहाँ पे आया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। इसे क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। पॉइंट क्लियर है क्या, इसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, इसे बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो गाइज अंडरस्टैंड क्या करना है, ये हुआ ग्राउंड स्टेट, ऊपर हुआ एक्साइटेड स्टेट। अंडरस्टैंड क्या करना है, ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन गए, और एनर्जी रिलीज करने के बाद ये वापस ग्राउंड स्टेट आ जाते हैं। समझ में आया, ये टोटल प्रोसेस को क्या बोलता, क्या बोल रहा हूं मैं, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जाते हैं, है ना, और एक्साइटेड स्टेट से फिर बाद में ग्राउंड स्टेट को, ये ओवरऑल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे बोलते हैं ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट, ये मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कलर होने के लिए ट्रांजिशन होना इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस व्हाट, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या, है ना, पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या, फटाफट कमेंट डाल दो, पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या। ओके, अभी यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या है गाइस, बेटा एंड मांगे, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट शो द फ्लेम टेस्ट बिकॉज व्हाट, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है गाइस, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड टू न्यूक्लियस, स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होते तो इसका में ग्राउंड ग्राउंड स्टेट से हटते नहीं है, न्यूक्लियस को स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड किया है इलेक्ट्रॉन ने, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता च नहीं, उड़ी ये जंप करता च नहीं गए। समझ में आ रहा है क्या, होप सो ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है। स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस, ये ओके, ये इसलिए ये कलर शो नहीं करते, दैट्स व्हाट, डू नॉट शो
एनी कलर, कलर नहीं दिखाते मीन्स वो फ्लेम टेस्ट दिखाते नहीं, जलने के बाद इनका डिफरेंट कलर नहीं होता। कौन कौन? बेटा एंड एमजी डू नॉट शो द फ्लेम टेस्ट। अभी बाकी के एलिमेंट कौन कौन सा कलर दिखाते भाई? बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, अंडरस्टैंड कर लो थोड़ा सा। कौन कौन से एलिमेंट है? अभी जो कार है ना गाइस, ये जो कार है ना, कार दिखाता है ब्रिक रेड। कौन सा रेड दिखाता है? ये ब्रिक रेड, अंडरस्टैंड कर लो। कार कैसी है भाई? ब्रिक रेड है ना। एस आर जो है ना, एस आर है क्रिम्सन। एस आर जो है ना गाइस, क्रिम्सन है, क्रिम्सन। एक कलर याद रखना है। और जो बाप है ना गाइस, बाप है ना, वो है एप्पल ग्रीन। मैंने ग्रीन कलर की पेन लिया, याद रख लो गाइस। पहला है कार है ब्रिक रेड, दूसरा एस आर है क्रिम्सन, और तीसरा है एप्पल ग्रीन। बाप क्या, बाप को क्या अच्छा लगता है? एप्पल ग्रीन। काम खलास। और दो एलिमेंट डो नॉट शो द फ्लेम टेस्ट। ये फ्लेम टेस्ट से क्या होता है? क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग के लिए कौन सा एलिमेंट है वो अंडरस्टैंड करने के लिए फ्लेम टेस्ट यूज होता है। ये हुआ जनरल टॉक, बराबर ना? पुट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग गाइस, पुट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, केमिकल प्रॉपर्टीज। पुट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, केमिकल प्रॉपर्टीज। चालू करना गाइस। तो पहला पॉइंट डिस्कस करना गाइस, रिएक्टिविटी टुवर्ड द ईयर। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ईयर, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर। रिएक्टिविटी टुवर्ड एयर एंड वाटर। वंस अगेन गाइस, अंडरस्टैंड कर लो कंसेप्ट। जो बेटा बीई एंड जो एमजी है ना गाइस, ये एयर के साथ, एयर के साथ रिएक्ट, एयर एंड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। ये रिएक्ट नहीं करते हैं। अभी बोलो सर क्यों? बिकॉज इनके सरफेस के ऊपर ऑक्साइड की फिल्म होती है गाइस। इनके सरफेस के ऊपर, सरफेस सरफेस पर ऑक्साइड की लेयर होती है, ऑक्साइड की फिल्म होती है गाइस। फिल्म इज लेयर होती है। उनके सरफेस के ऊपर कौन कौन से? बेरिलियम एंड मैग्नीशियम के ऊपर एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि इनके सरफेस के ऊपर ऑक्साइड की फिल्म होती है। कंसेप्ट समझ में आया क्या गाइस? हाँ या ना? अभी ये जो था लेकिन बी ना, नॉर्मल बी नहीं करता, लेकिन इसका पाउडर बनाया। क्या बनाया? बी का क्या बनाया? बी का पाउडर बनाया गाइस, अंडरस्टैंड कर लो। बी का क्या बनाया? पाउडर बनाया, पाउडर पाउडर पाउडर। बी का पाउडर बनाने के बाद पाउडर बनाया,
ना, बी का क्या बनाया मैंने, पाउडर बनाया। पाउडर बनाने के बाद, पाउडर बनाने के बाद क्या करेगा बी, बी क्या करे? ये बर्न इग्नाइट होता है गाइस, ये बर्न होता है, बर्न ऑन इग्निशन। वो इसको जलाने के बाद बर्न ऑन इग्निशन गाइस, इन ईयर, बर्न ऑन इग्निशन ऑन ईयर। तो इससे क्या बनता है, मीन्स बी क्या हुआ, बी बर्न हुआ, बी क्या हुआ, बर्न हुआ। बर्न होने के बाद क्या बनेगा, बीई ओ बनेगा, एंड बीई थ्री एन बनेगा। इसे बोलते हैं नाइट्राइड, नाइट्राइड बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, ऑक्साइड बोलते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है गाइस, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, क्यों, पाउडर बनाने के बाद। ओके ना, अभी मैग्नीशियम का क्या बनेगा, मैग्नीशियम के पाउडर के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा, मैग्नीशियम का बनेगा, ये बर्न होने के बाद क्या बनेगा, पाउडर मैग्नीशियम का क्या होगा, MgO बनेगा और Mg3n बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज ए नाइट्राइड। इसे बोलते हैं ऑक्साइड, ये ऑक्साइड और नाइट्राइड बनेगा गाइस। होप सो ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अभी जाते कौन बाबा, बाकी के रेस्ट ऑफ एलिमेंट कौन कौन से बचे, कार, स्कूटर और बाप, ये जो तीन एलिमेंट है ना गाइस, ये रिएक्ट होते हैं गाइस, रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर एंड यहां से लिबरेट क्या होता है, लिबरेट H2 गैस। होप सो यहां तक ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। मैं लिंक दे रहा हूं और एक आया ना, कमेंट डाल दो फटाफट।